सोशल इनइक्वलिटी, सोसाइटी में इनइक्वलिटी है। तो सोशल इनइक्वलिटी क्या है? सो इट रिफर्स टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इनइक्वलिटी क्यों है? क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं जिनसे हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेहतर किया जा सकता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। मतलब किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। मतलब किसी के ज़्यादा पैसा है या ज़्यादा और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का। अब रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज एंड प्रिविलेज्ड अमंग इंडिविजुअल्स और ग्रुप विद इन ए सोसाइटी। मतलब लोगों के पास या पूरे ग्रुप के पास। मतलब ऐसा भी हो सकता है पूरे ग्रुप को ही एक्सक्लूड कर दिया गया हो कि उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो अच्छी एजुकेशन ले सकें, तो अच्छा एम्प्लॉयमेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो सोशल इनइक्वलिटी ये है कि जो रिसोर्सेज हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो सबके पास इक्वल नहीं है। जैसे कि इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है, इसमें डिस्पेरिटीज़ इन वेल्थ एंड इनकम ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाई फैक्टर्स जैसे कि ऑक्यूपेशन, एजुकेशन एंड सोशल क्लास। किसी के पास अच्छा बिजनेस है तो डेफिनेटली उसके पास पैसा भी अच्छा होगा, दूसरे पास नहीं है तो नहीं होगा पैसा। एजुकेशन, किसी ने अच्छी एजुकेशन ली है तो कुछ ना कुछ वो काम कर ही लेगा। तो ये सब चीज़ें फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। तो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर अनइक्वल हो रहा है तो इनइक्वलिटी होगी। इकोनॉमिक इनइक्वलिटी अफेक्ट करती है एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब किसी के पास अगर कम पैसा है तो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो अफेक्ट होगी होगी। एजुकेशनल इनइक्वलिटी, डिफरेंस इन एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। मतलब किसी, जैसे कोई रूरल एरिया में रह रहे हैं लोग, तो वहाँ इतनी अच्छी क्वालिटी वाली एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो फिर आगे वो कम्पिटिटिव एग्जाम में इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो एजुकेशन में इनइक्वलिटी होना की वजह से सोशल इनइक्वलिटी है। मतलब तो सोसाइटी में फिर वो उस प्लेस पर नहीं आ सकते ना सारे सारे, क्योंकि अगर रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं तो आउटपुट भी डिफरेंट होगा सबका। जैसे रिसोर्सेज वैसी आउटपुट। किसी ने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा इन कंपेरिजन टू जिसने अच्छे से पढ़ाई की है। तो एजुकेशन में इनइक्वलिटी है तो उसी वजह से सोसाइटी में भी इनइक्वलिटी है। मतलब हर किसी को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, एक्सेस नहीं है, कि कहीं फीस ज़्यादा है, कहीं अच्छे कॉलेज नहीं है। तो इन सब चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर।